हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने वाली हूँ पनीर रोल। इसके लिए मैं कुछ सब्जियाँ लूँगी, जैसे कैरेट, अनियन, कैप्सिकम, टोमेटो। इन सारी चीज़ों को लेके मैं लंबी लंबी स्लाइसेस में कट कर लूँगी। इसके बाद मैं 3-4 कली लहसुन की भी लूँगी, उसको भी बारीक चॉप कर लूँगी। अगर आप तीखा खाना पसंद करते हैं तो आप 1 या 2 ग्रीन चिली लेकर उसको भी बारीक चॉप कर लीजिए। उसके बाद हम एक बाउल में आटा लेंगे और उसमें स्वाद अनुसार नमक डाल के उसके बाद उसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। फिर इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक सॉफ्ट डो लगा लेंगे। जैसे कि हम पराठा या रोटी के लिए डो लगाते हैं, हमें वैसा ही डो लगाना है। उसके बाद हम इसे ढक कर रख देंगे। उसके बाद हम एक कढ़ाई लेंगे और कढ़ाई में थोड़ा ऑयल डालेंगे, उसमें गार्लिक डालेंगे, फिर अनियन डालेंगे, कैरेट, कैप्सिकम एंड टोमेटो। ये सारी चीज़ें डालने के बाद हम इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे। नमक डालने के बाद इसमें हम पनीर डाल देंगे और इन सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। इसके बाद हम इसमें ऑरिगेनो डालेंगे और फिर इसमें काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। और उसके बाद अगर आपके पास पिज्जा पास्ता सॉस या फिर रेड चिली सॉस हो तो 1 चम्मच हम वो डाल देंगे। इसे डालने से इस स्टफिंग का टेस्ट और भी बढ़ जाता है। इसके बाद हम इसमें 1 चम्मच टोमेटो सॉस भी डालेंगे। इन सारी चीज़ों को डालने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे। इन सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद इसमें हम आधा नींबू निचोड़ देंगे। नींबू डालने से इस चीज़ का टेस्ट बढ़ जाता है। उसके बाद हम देखते हैं हमारा आटा भी तैयार हो जाता है। फिर इसके बाद हम एक लोई लेंगे, उसमें सूखा आटा लगा के उसे रोटी की तरह बेलेंगे। जैसे रोटी बेलते हैं सेम वैसे ही बेलना है। फिर उसमें हम ऑयल लेके थोड़ा सा अच्छे से ग्रीस करेंगे और उसके बाद हम इसके ऊपर थोड़ा सा सूखा आटा स्प्रेड कर देंगे। सूखा आटा डालने के बाद इसको हम अप डाउन करके इसे फोल्ड करेंगे, जैसे कि हम छोटे में बचपन में पेपर का फैन बनाते थे, सेम वैसे ही बनाना है। उसके बाद हम इसे फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद थोड़ा सा सूखा आटा लेके फिर से इसे रोटी की तरह बेल लेंगे। उसके बाद हम गैस ऑन करेंगे और उस पर तवा रखेंगे और उस पर ये डाल देंगे। फिर इसको हम दोनों तरफ से अच्छा सेक लेंगे। जैसे हम पराठा सेकते हैं सेम वैसे ही सेकना है। हमें दोनों साइड में ऑयल लगा के इसको सुनहरा होने तक सेकना है। सेकने के बाद हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और फिर उसमें मेयोनी और टोमेटो सॉस डाल लेंगे। फिर उसको अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। स्प्रेड करने के बाद जो हमने स्टफिंग रेडी की थी उसको अच्छे से इसमें फिल कर देंगे। स्टफिंग फिल कर देंगे। उसके बाद इसमें थोड़ा सा कच्चा प्याज और गाजर, कैप्सिकम, ये सारी चीज़ें थोड़ा थोड़ा सा उसमें डाल देंगे। उसके बाद इसे फोल्ड करेंगे। अच्छा, हम इसको कट करके देखते हैं ये कैसा बना है। देखिए ये कितना अच्छा बना हुआ है। इसे खाने में भी ये बहुत टेस्टी है, हेल्दी भी है और टेस्टी भी है। फिर हम इसको एक फाइल पेपर से रैप करेंगे और सर्व कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।